टीचर आपके अंदर कोई अच्छा सा टैलेंट है? पप्पू, यस टीचर। टीचर, क्या टैलेंट है? टीचर, मेरा टैलेंट छुपा हुआ है, मुझे खुद नहीं पता। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती। डॉक्टर, फिर पिस्तौल की गोली खा के देख लो। शादी तो बहुत दूर की बात है, घर वाले दिलासा देने के मूड में भी नहीं है। इंसान को चाय क्या बनानी आ जाए, घर वाले रामू काका ही समझ लेते हैं। भाभी की शादी में नाच नाच कर हलकान होने वाली बहनें बाद में अपनी भाभी में ज्यादा कीड़े निकालती हैं। शराब तो यूं ही बदनाम है, असली नशा तो सुबह की नींद में होता है। तनख्वाहदार बंदे की भी क्या जिंदगी है, पहले 10 दिन बादशाह, दूसरे 10 दिन वजीर और आखिरी 10 दिन फकीर। एक मच्छर कहीं जा रहा था कि रास्ते में जोर का तूफान आ गया। मच्छर एक दरख्त के साथ लिपट गया और तूफान टल जाने के बाद पसीना साफ करते हुए बोला, जे आज मैं ना होता यह दरख्त गया सी। मौत की भी 3 इकसाम होती हैं। आटा गूंदना छोटी मौत, झाड़ू लगाना दरमियानी मौत, बर्तन धोना सबसे बड़ी मौत। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी बीवी को फारसी जुबान में क्या कहते हैं? बाबा जी ने एक ठंडी आह भरी और कहा, पुत्र बीवी को फारसी जुबान में तो क्या, किसी भी जुबान में कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई हमसा हो तो सामने आए, न्यूटन ने बेशक ग्रेविटी ला दरियाफ्त किया है मगर खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई होती है, ये हमने ही मालूम किया है। एक दर्दमंद पाकिस्तानी ने किसी बुजुर्ग से कहा कि बाबा जी दुआ करें इस मुल्क से सारे चोर खत्म हो जाएं। बुजुर्ग बोले, बेटा इतने बड़े मुल्क में अकेले रहकर क्या करोगे? बाबा जी कहते हैं कि अकलमंद आदमी जब भी कोई खास और अहम फैसला करता है तो बहुत सोचता है, दिल और दिमाग की सुनता है, हालात को परखता है, दलील को जेरे गौर लाता है, मुस्बत और मनफी पहलुओं का जायजा लेता है, अपने वालदैन और बहन भाइयों से राय लेता है और आखिर में करता वही है जो इसकी बीवी से कहती है। पप्पू, यार कल मैंने कितनी बार कॉल की, हाई क्यों नहीं? शीदा, क्यों उठाऊं? 10 रुपए देकर जो गाना लगवाया है तेरा बाप सुनेगा। वक्त बहुत कीमती होता है, हमेशा दूसरों का जाया करें। बाबा जी कहते हैं कि अगर बच्चा नीचे गिर जाए तो दूसरे मालिक, अरे बेटा तुम ठीक तो हो? और पाकिस्तानी, उठो उठो कुछ भी नहीं हुआ, वो नीचे देखो चूंटी मर गई चूंटी। एक सरदार सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग कर रहा था। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी इस सख्त गर्मी में 2 कोट क्यों पहने हैं? सरदार, यार रंग के डब्बे पर लिखा है अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी हैं। दोस्त ने कहा, घर में गुस्सा किया करो, घर वाले शादी करा देंगे। मैंने आज गुस्सा किया तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, अब मस्जिद में बैठा हूँ। अगर चाय जैसी नेमत ना होती तो आधे पाकिस्तानी सर के दर्द से ही मर जाते। किसी से सुना था कि जब कभी कुत्ता पीछे लगे तो फौरन बैठ जाओ। कल कुत्ता मेरे पीछे लग गया, मैं बैठ गया, कुत्ता भी वहीं बैठ गया, फिर हम दोनों 2 घंटे वहीं बैठे रहे। हम लोग पंजाबी हैं, हम ये नहीं कहते आई डोंट केयर, हम सीधा कहते हैं ताड़ी जुत्ती नू भी परवाह नहीं। लेडी डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला तो थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसूर दिखाने के लिए फौरन फोन का रिसीवर उठाया और काफी देर लगे रहने के बाद बोली, जी फरमाइए क्या मसला है आपका? वो आदमी बोला कि मैडम मैं PTCL से आया हूँ, अगर बात खत्म हो गई हो तो कनेक्शन एक्टिव कर दूं। बीवी शोहर से, आपको तेज बुखार है। बीवी ने मुर्गी की तरफ देखा, मैं अभी आपके लिए चिकन सूप तैयार करती हूँ। मुर्गी, बहन एक दफा पैनाडोल देकर देख लो,
बुखार उतर जाएगा। सुना है जो लोग अपने दोस्तों को ट्रीट देते हैं इनकी पसंद की शादी होती है। जब कोई बाहर मुल्क से आता है तो हम सबको इसके सामान के खुलने का इंतजार होता है और वो खुद जाके सो जाता है। बीवियां खावन से ज्यादा जहेज में मिले बर्तनों का ख्याल रखती हैं। दुख इस बात का नहीं कि हमारी शादी नहीं हुई, खुशी इस बात की है कि तुम्हारी भी नहीं हुई। इस पर चम के साए तले हम एक हैं। कोई काम इतना परफेक्ट ना करें कि वो आपकी ड्यूटी बन जाए। जाती तजर्बा बता रहा हूँ आपको। एक मर्द ही दूसरे मर्द की फितरत को समझ सकता है। मिसाल के तौर पर ग्राहक, मुझे लेडीज सूट चाहिए। दुकानदार, बेगम के लिए चाहिए या कोई अच्छा सा दिखा दूं। शोहर, मुझे चाय गर्मा गर्म चाहिए। बीवी, मुंह में ही छान दूं क्या। एक मौलवी साहब के हाथ से एक कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी साहब ने कौवे को आवाज दी और बोला, वापिस कर वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि कौवा हलाल है। पहला दोस्त, भाई धोखा हो गया धोखा। दूसरा दोस्त, कैसे भाई क्या हुआ। पहला दोस्त, यार घर से किताबों के पैसे मंगवाए थे मगर घर वालों ने किताबें ही भेज दी। बाबा जी कहते हैं कि औरतों का दिल जीतने के मामले में आमिल हजरात डॉक्टरों से ज्यादा चलाक होते हैं। इनका एक ही जुमला काफी होता है कि आपको किसी की नजर लगी है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये एयरफोन लगाने के बाद ऐसा क्यों लगता है जैसे वो मुझे बुला रहा। सरकारी अस्पताल का मतलब है जान से जाना और प्राइवेट अस्पताल का मतलब है जायदाद से जाना। अब मरीज जाए तो जाए किधर। बाबा जी कहते हैं कि इंसान शादी से पहले अपनी मंगेतर को बेपनाह चाहता है और शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ पनाह चाहता है। लड़का लड़की से, तुम अब बहुत बदल गई हो। लड़की बोली, जान अब करीब खत्म हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बाबा जी फरमाते हैं कि गाजर और बादाम को छोड़ो, धोखा खाओ धोखा, ज्यादा अकल आएगी। एक दरख्त पर बहुत से उल्लू रहते थे जिसकी वजह से दरख्त बहुत परेशान रहता था। आखिरकार एक दिन इस दरख्त की परेशानी खत्म हो गई। जिस दिन इस दरख्त को काट दिया गया दरख्त बहुत खुश हुआ, मगर दरख्त की खुशी इस वक्त खाक में मिल गई जब दरख्त को काट कर पाकिस्तानी पार्लियामेंट की कुर्सियां बना दी गई। जो लोग भी मुझे जगाने के बाद पूछते हैं कि सो तो नहीं रहे थे, दिल तो करता है कि इनके मुंह पर एक थप्पड़ मारकर पूछूं कि ज्यादा तो नहीं लगी। बाबा जी कहते हैं कि उफ, मैं जिंदगी खड़ा हूँ जहाँ टेंशन की वजह से बाल गिर रहे हैं और बालों के गिरने से टेंशन हो रही है। लड़की लड़के से, तुम भी सिंगल हो और मैं भी, पता है इस बात का क्या मतलब है। लड़का, नहीं तुम बताओ। लड़की बोली, अरे पगले, इसका मतलब ये है कि ना तेनू कोई मूल आंदा ना मैनू।